गुड मॉर्निंग। सही में आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? Yes। जिंदगी बदलना चाहते हैं? Yes। अच्छा कार खरीदना चाहते हैं? Yes। लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं? Yes। लेकिन यस, एक बात तो मैं आपको बता दूं, अगर इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे पहला जो जरूरत है वो है एक्साइटमेंट। जब तक आप एक्साइटेड नहीं होंगे तब तक आप किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकते। आप सभी एक्साइटेड हैं आज इसके प्रोग्राम के लिए? मजा ही नहीं। आर यू एक्साइटेड? यस। ये वही ना बात। तो मैं आप सभी लोगों को कुछ मिनट्स में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मैंने डीएक्सएन में मेरा 7 साल होने के बाद, मैं जब 18 साल का था उस समय मैंने डीएक्सएन में ज्वाइन किए। अच्छा, मैं पहली बार दिल्ली में रिकॉग्निशन नाइट में हम हैं। पहले से हमें लोग कितने लोग जानते हैं किसी न किसी माध्यम से, सोशल मीडिया से, इधर से, मैक्सिमम अच्छे लोग। आप सभी के लिए जोरदार तालियां। और जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बताना चाहूंगा, मेरा नाम कुंदन कुमार है और वो ज्ञान की धरती, आप सभी लोग नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं। बस उसी से सटा हुआ एक छोटा सा टाउन, नहीं स्मार्ट सिटी के तौर पे माना जाता है बिहार शरीफ, जिस शहर से इंडिया के फास्टेस्ट हम सब, मेरे मेंटर, मेरे गुरु धर्मशीला मैम और सुरेंद्र सर आते हैं, हम भी बिहार शरीफ से हैं। सर और मैम के लिए भी एक जोरदार तालियां। तो हम आज बातें करेंगे, व्हाई यूथ आर ज्वाइनिंग द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्यों यूथ लोग जुड़ रहे हैं और आगे जुड़ने वाले हैं, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो मैंने जब डीएक्सएन में आया, मैं डीएक्सएन में बाई चांस आया, लेकिन इसके बारे में जब समझ में आई तो मैंने बाई च्वाइस इसको करना शुरू किया 2015 से। तो ये मेरी कहानी है। मैं एक इंजीनियर बनना चाहता था और हमें सफलताएं भी मिला इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। मैंने चाहे वो बिहार इंजीनियरिंग हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग हो, चाहे AIEEE हो, मैंने एक ही साल मैंने कई सारे इंजीनियरिंग के स्ट्रीम में, चाहे वो वेस्ट बंगाल का हो, चाहे वो बिहार BCEC हो, बिहार कंबाइंड इंजीनियरिंग एग्जाम हो, मैंने क्वालिफाई किया। लेकिन फिर भी मेरा सेहत कुछ खराब होने के कारण हमें, सेहत के कारण डीएक्सएन हमें मिला और मेरा सपना इंजीनियर बनने का वही रह गया। मेरा सपना था इंजीनियर बनना, मेरे घर वाले को, मेरे पिताजी को, मेरे पेरेंट्स को, सभी लोगों का इंजीनियर बनना सपना था। लेकिन भगवान ऊपर वाले ने हमें कुछ और बनाकर भेजा था धरती पे। मैं इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर रहा था और भगवान वो हमें कुछ और बनाने के लिए ट्राई कर रहे थे। इसी के लिए मैं आपको बता दूं, आज हम इंजीनियर नहीं है लेकिन एक अच्छे एंटरप्रेन्योर जो है, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के काम कर रहे हैं। मेरे टीम में आज 20 से ज्यादा देशों में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं दुनिया भर में, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, कतर, बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, नामीबिया, घाना, यूनाइटेड अरब, सऊदी अरेबिया, जैसे 20 से ज्यादा देशों में 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं, कई सौ डायमंड्स हैं और कई सौ स्टार रूबी हैं और मेरी टीम के अंदर में कई हजार स्टार हैं, कई हजार, और ज्यादा बड़ा नहीं, बस 1.5 लाख लोगों की टीम है और हम उसको जल्दी से हम 1 मिलियन करने वाले हैं। मेरे नीचे अभी हर महीने लगभग 6,000 से 6,500 नया लोग रिक्रूट होते हैं। मैं आपको बता दूं, वो दिन याद है, मैं जब पहली बार डीएक्सएन में आया, मैं क्या, कोई भी पहली बार डीएक्सएन में जब आता है तो वो सिर्फ अकेला ही होता है। हम धरती पे भी आते हैं तो अकेले ही आते, अकेले ही थे। मेरे मम्मी साथ में थी, मेरे पेरेंट्स साथ में थे, तो बस डीएक्सएन में जस्ट लाइक ऐसा ही होता है। जब आप डीएक्सएन में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद आपके साथ आपके टीम में कितने लोग थे आप लोग खुद बताइए, कितने लोग? सिर्फ एक लोग, एक लोग।
तो मैं भी वही फॉर्म फिलअप करके डीएक्सएन को ज्वाइन किया और इसके बारे में लोगों को बताना शुरू किया। गांव के लोग, शहर के लोग, परिवार के लोग, सभी लोगों ने एक ही चीज बोला, पागल है, कहां चला गया, इतना पैसा खर्च के इनके मम्मी पापा फिर भी क्या करता है, चाय बेचता है। बहुत सारी चीजें देखे सुनने को भी मिला, लेकिन एक किसी भी चीज को जब बढ़िया से समझ में आ जाता है, देखिए डॉक्टर लिम का विजन स्टेटमेंट है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आपका विजन है या नहीं वो आप पे डिपेंड करता है। डीएक्सएन हमेशा प्रमोट करता है आप बीमारी से बचना चाहते हैं, गरीबी से बचना चाहते हैं, बेरोजगारी से बचना चाहते हैं, तो मैं आपको पूरा ये गारंटी देते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से डीएक्सएन से बढ़िया कोई जगह नहीं है। कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, मेरे अनुसार ये मेरा निजी सोच है, दुनिया में कहीं भी नहीं है। मेरा निजी सोच बताता है कि इस इंडस्ट्री में ये जो मेरा कॉलेज है ये इसके सामने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, यूके लंदन जाकर के पढ़े, लेकिन फिर भी वो शिक्षा नहीं मिल पाएगा जो यहाँ पे मिलता है। क्योंकि आप लोग, प्लस हम आपको ये भी बता दें, ये जो क्लास है ना, ये दुनिया का सबसे बेस्ट क्लासरूम हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस क्लास में, डीएक्सएन के इस क्लास में मम्मी भी बैठी हुई है, पापा भी हैं, बच्चे भी हैं, दादा भी हैं, दादी भी हैं, नाना भी हैं, नानी भी हैं। दुनिया का कोई ऐसा यूनिवर्सिटी और कॉलेज या स्कूल नहीं है जहां पे मम्मी पापा नाना मौसा एक साथ पढ़ते हैं। यस या नो, सही है या नहीं है? कोई भी नहीं है। बस डीएक्सएन में मेरी शुरुआत हुआ 2015 में। जब हम डीएक्सएन को ज्वाइन किए हमारे एरिया में कोई नहीं था, 18 साल का सभी लोग मिलते थे, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल। लेकिन हमें जैसे ही समझ में आया डीएक्सएन के बारे में, मैंने इसके बारे में लोगों को ट्राई किया, बताना शुरू किया। मेरा पहला महीना निकल गया, मेरे नीचे कोई ज्वाइन नहीं हुआ, कोई भी नहीं। मेरा दूसरा महीना निकल गया, मेरे नीचे एक भी लोग ज्वाइन नहीं किए। बस लेकिन यही चीज था प्लस पॉइंट मेरे लिए, धर्मशिला मैम और सर का एक ट्रेनिंग सेंटर था, मेरा घर से बस 2 से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, मैं डेली वहां पे जाता था, 2 घंटे 3 घंटे जाकर के ट्रेनिंग लेता था। कोई नहीं भी आते थे तो भी आते। एक्चुअली क्या है ना, डीएक्सएन में कुछ लोग आते हैं, इतना जल्दी में रहते हैं कि लगता है कि काश हो सकता है अगले साल भाग ना जाए डीएक्सएन, इतना जल्दी में आता है। वो तुरंत आता है, 1 लाख आ जाए, 2 लाख आ जाए, 5 लाख आ जाए, जो कि अगर देखा जाए तो प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 4 साल ये अंडरग्राउंड में रह जाते हैं। तब हम कहां पहुंचते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं, पहली क्लास में। उसके बाद लगातार 10 साल पढ़ते हैं तो 10th क्वालिफाई होते हैं, उसके बाद 2 साल पढ़ते हैं तो इंटरमीडिएट कंप्लीट होता है, उसके 3 साल पढ़ते हैं तब जाकर के ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। आप सोचिए लगभग डायरेक्ट लगातार 19 साल पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, लेकिन ये भी गारंटी नहीं है कि वो 19,000 कमा पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको कमाने लगेंगे? नहीं। 90 लाख से ज्यादा लोग इंडिया में हर साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, और कितनी लाख वैकेंसियां है आप सभी को पता है, हम सभी को पता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैंने जब इसके बारे में सीखा, मैं जब लोगों के साथ जाते थे, मैं एक बार तो ऐसा स्थिति में आ गया कि अब हमें डीएक्सएन मेरे बस की बात नहीं। मैडम का फोन आता था, कुंदन जी कैसे हैं, बोल रहे हैं कैसा क्या है, लोग समझता नहीं है, जानता नहीं है, बातें तो करते हैं लेकिन फिर भी बोलते थे नहीं आप अच्छा करेंगे। फिर थोड़ा सा मेरे शरीर के अंदर एनर्जी आता था, फिर जब वो फील्ड में उतरते थे, लोगों से बातें करते थे, कोई बोलता था जितना तुम्हारा उम्र है उससे ज्यादा
मेरे पास अकल है। दुनिया तुम क्या घुमा है, दुनिया तो हम घूमे हैं, हमें सब कुछ मालूम है, दुनिया हम घूमे हैं। तो हम पूछते थे दुनिया आप घूमे हैं पासपोर्ट है, तो बोला नहीं है, तो क्या है आप आधार कार्ड से दुनिया घूमे? आप इमेजिन करिए आधार कार्ड से घूमे। तो बहुत सारे लोग बहुत तरह के बातें बोलते थे, चाहे मेरे फैमिली के लोग है, दोस्त लोग है। जहां तक मैंने जब इंजीनियरिंग में ना जाने का फैसला लिया, मैं डीएक्शन में करना शुरू किया, तो मेरे दोस्त के बहुत सारे जो मेरे क्लासमेट दोस्त थे, मेरे साथ क्लासमेट 12 दोस्त इंजीनियरिंग का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से 11 आज इंजीनियरिंग में है, कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, कोई कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में है, कोई कंप्यूटर साइंस में है, सबकी अच्छी सी सैलरी भी।